हे गाइस, आप देख रहे हैं विश्वजीत पात्र यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है विश्वजीत पात्र। डेली की तरह जोमैटो में आज भी मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ। तो आज मेरा स्लॉट का जो टाइमिंग था वो लगभग बहुत ही कम टाइमिंग था, ज़्यादा टाइम का मैंने बुकिंग नहीं किया था। तो अभी कुछ ही टाइम बाद मेरा स्लॉट मतलब शिफ्ट जो टाइमिंग है वो ख़त्म होने वाला है, मतलब ओवर होने वाला है। अब तक का कोई ऑर्डर तो आया नहीं है, फिर देखेंगे। इवनिंग टाइम नाइट टाइम को भी मैंने स्लॉट बुकिंग किए हैं, उस वक्त ऑर्डर कुछ आता है या नहीं आपको बताएंगे। और फिलहाल अब तक का सिर्फ यहाँ खड़े हैं आराम से, और ऊपर देख पा रहे हो आप गाछ का ठंडा ठंडा हवा खा रहे हैं, और बस यूँ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऑर्डर तो कुछ आ नहीं रहा है, पता नहीं कब आएगा ऑर्डर, बट अब तक का एक भी ऑर्डर नहीं है। एनीवे, चैनल में नए हो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखते रहिए। हे गाइस, 3 घंटा का स्लैब आज मैंने कंप्लीट किया, और 3 घंटा का स्लैब कंप्लीट करते ही मेरा जो जोमैटो डिलीवरी पार्टनर ऐप है ऑटोमेटिकली मुझे गो ऑफलाइन कर दिया, और इस 3 घंटा स्लैब में एक भी ऑर्डर नहीं आया, और एक नोटिफिकेशन एलिजिबल फॉर यू आर गिग पे आउट। तो शायद ऑर्डर नहीं आया है, तो शायद इसका कुछ गिग पे आउट मिल सकता है, पता नहीं। तो आने वाला पे आउट में बताएंगे, बट आज का दिन तो यूँ ही ऐसा ही गुजर गया, एक भी ऑर्डर नहीं मिला। लगभग 3 घंटा हो गया, 3 घंटा में एक भी ऑर्डर नहीं आया। तो अब इवनिंग में मेरा शिफ्ट है, देखते हैं फिर से इवनिंग में आएंगे मार्केट में और आके ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर आ रहा भी या नहीं, कितना क्या हो रहा क्या नहीं, आपको अपडेट देंगे। कृपया चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, वीडियो शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स से। और एक बात बताना चाहेंगे, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करता है और उस कमेंट का रिप्लाई थोड़ा लेट से आता है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा देख नहीं पाता हूँ, काम वगैरह में बिज़ी रहते हैं। तो आपका कमेंट देखते ही रिप्लाई करने का कोशिश बहुत जल्द करेंगे, और आपने जो जो कहते हैं कमेंट में उस हिसाब से वीडियो भी बना लिए। तो आपसे फिर से अनुरोध है, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ रहिए। तो इवनिंग में आते हैं मार्केट में, फिर अभी चलते हैं घर। इवनिंग में आएंगे, इवनिंग में मेरा एक स्लॉट अभी है, बुकिंग किया हुआ हूँ, तो देखते हैं उस इवनिंग टाइम में ऑर्डर आता भी या नहीं, फिर आपको बाकी का अपडेट देंगे। गाइस, अभी मैं घर पर आ चुका हूँ, और देखिए मोबाइल के स्क्रीन में देख पा रहा हूँ अभी टाइम हो चुका है 3:45, और कल 10 मार्च का मैं गिग बुकिंग कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारा गिग जो है तुरंत ही फुल हो चुका है, तो क्या है कि बहुत ही जल्द से जल्द गिग बुकिंग करना पड़ेगा आप सभी को। अगर नेक्स्ट डे आप काम करोगे तो उसका पहले एक दिन पहले आपको बुकिंग कर लेना पड़ेगा 3:45 के अंदर में ही। तो अभी फ़िलहाल मुझे बुकिंग ठीक ठाक मिल चुका है, मैं जो टाइम में मांग रहा था वो टाइम में मिल गया, बट एक दो तो नहीं मिला है। तो फिलहाल 4 से 5 बुकिंग मिल चुका है, तो लगभग मेरा 4 बुक किया है स्लॉट। तो हे गाइस, दोपहर का तो कोई ऑर्डर नहीं मिला था, अभी फिलहाल मेरा शाम का स्लॉट का टाइमिंग हो गया, मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ। अभी लगभग 7 बज रहा है, तो देखते हैं अभी रात का टाइम में कितना क्या ऑर्डर आता है आपको बताते हैं। और अभी बहुत रात भी हो गया, आप देख पा रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में एकदम काला काला दिख रहा है, और मैं एकदम रेस्टोरेंट के आसपास में ही खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ ऑर्डर कुछ आएगा या नहीं, ऑर्डर का वेटिंग कर रहा हूँ, ऑर्डर कब तक का आता क्या नहीं, फिर आपको अपडेट देंगे। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 घंटा का स्लैब है, लगभग 10-15 मिनट तो हो चुका है ऑनलाइन आके, तो अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो अभी देखते हैं बाकी टाइम तक कितना ऑर्डर आता क्या नहीं, आपको इसी वीडियो में अपडेट देंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखते रहिए, और नए हो चैनल में तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात बताना चाहेंगे, दोपहर को तो मैंने आपको कहा था, दोपहर को कोई भी ऑर्डर नहीं आया, मिला ही नहीं था, स्लैब पूरा कंप्लीट हो गया था, ओवर हो गया था। तो फिलहाल अभी शाम का स्लैब यानी कि इवनिंग का स्लैब में मैं आ चुका हूँ, तो देखते हैं क्या नया ऑर्डर आ रहा है या नहीं, कुछ भी जो भी होगा अपडेट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। देखिए गाइस, एकदम अंधेरा, मतलब अंधेरा तो नहीं, पूरा डार्क हो चुका है, काफ़ी रात है, लगभग शाम का 6-7 बज रहा है, 7:30 बज रहा है, तो देखते हैं शाम को क्या ऑर्डर मिलता है। गाइस देखिए, मुझे इवनिंग का पहला ऑर्डर मिल चुका है, और पहला ऑर्डर ही लॉन्ग डिस्टेंस का अच्छा खासा ऑर्डर पे दिखा रहा है 100, तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं इसको एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो अभी फटाफट चलते हैं रेस्टोरेंट के पास, जाके ऑर्डर को पिक करके फिर बाकी का अपडेट। रेस्टोरेंट के पास आ गया हूँ, अभी फिलहाल ऑर्डर पिक भी कर चुका हूँ, देख पा रहे हो आप, अभी पैकेट ले। गाइस, आज का पहला ऑर्डर मुझे रिसीव हो चुका है, तो ये रेस्टोरेंट है शाम का। हे गाइस, अभी मैं आज का फर्स्ट स्लैब में तो कोई ऑर्डर नहीं आया था, मैंने आपको बताया था, तो सेकंड स्लैब यानी कि इवनिंग स्लैब जो मैंने बुक किया था, तो अभी इसी में अभी लगभग अभी मैंने एक ऑर्डर डिलीवरी मार्क किए हैं। तो ये पीछे में जो देख पा रहे हो बिल्डिंग वगैरह, यहीं पर ही मैंने अभी कस्टमर को ऑर्डर डिलीवरी मार्क किया,
तो इस ऑर्डर में मुझे जितना ऑर्डर पे दिखा रहा था, जब मैं ऑर्डर पिक ऑर्डर जब मैं रिसीव किया मेरे फ़ोन में, जब ऑर्डर आया तो मुझे लगभग दिखा रहा था 100 रुपीज़, 101 रुपया। तो फिलहाल अभी मैं ऑर्डर जैसे ही मैंने इस लोकेशन में आके कस्टमर का लोकेशन में आके जैसे मैंने डिलीवरी मार्क किया तो मुझे टोटल मिला 110 रुपये का आसपास। ठीक है, तो इसमें मैंने टोटल ट्रैवलिंग किए लगभग 7.68 किलोमीटर पकड़ लीजिए। तो मोटा मोटी ठीक ही ऑर्डर पे मिला, मोटा मोटी ठीक ही ऑर्डर पे मिला मुझे, तो एक हिसाब से ठीक ही मिला। इसी तरह अगर ऑर्डर 2-4 तो और भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको वही कह रहा था कि इसी तरह अगर 2-4 ऑर्डर और भी मिलेगा तो मेरा लगभग स्लैब आज का अच्छा खासा हो जाएगा। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम अभी बाकी नहीं है, लगभग कोई 1 घंटा का आसपास बाकी है, तो देखते हैं 1 घंटा में कितना और क्या ऑर्डर आता है। तो फिलहाल अभी 1 घंटा का, 1 घंटा में जो अभी ऑर्डर मैंने डिलीवरी किया तो इसमें टोटल अर्निंग मेरा अभी अब तक का हुआ 110 रुपये। ठीक है, तो बाद में क्या होता है फिर आपको अपडेट देते हैं। हे गाइस, सेकेंड ऑर्डर जैसे डिलीवरी करके मैं नियर बाय हाई ऑर्डर एरिया में मैं आ रहा था, तो मुझे सेकेंड ऑर्डर रिसीव हो चुका है। फर्स्ट ऑर्डर मैंने डिलीवरी करके अभी सेकेंड ऑर्डर रिसीव हो चुका है। अभी फिलहाल मैं रेस्टोरेंट के बाहर में यहाँ खड़ा हूँ, अभी ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है। ऑर्डर जैसे रेडी होगा फिर चलेंगे कस्टमर के पास डिलीवरी करने के लिए। और इस ऑर्डर का ऑर्डर पे दिखा रहा था लगभग 36 रुपीज़, ज़्यादा दूर नहीं है, मैं मैप में देख लिया हूँ। कस्टमर का लोकेशन यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है। देखिए गाइस, अभी जो सेकंड नंबर ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था, वो सेकंड नंबर ऑर्डर मैं पिक करने के लिए रेस्टोरेंट में खड़ा था, तो क्या हुआ, ऑर्डर कैंसिल हो गया, नोटिफिकेशन आया। देखिए ये गाइस, सेकंड नंबर जो ऑर्डर आया था वो कस्टमर की ओर से कैंसिल कर दिया गया। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ आसपास में ही खड़ा हूँ, अभी फिलहाल कोई ऑर्डर नहीं है, सेकंड नंबर ऑर्डर कैंसिल हो गया है। देखिए गाइस, ये रेस्टोरेंट है, यहीं खड़ा हूँ, अब तक का कोई ऑर्डर नहीं आया है और मेरा स्लैब जो टाइमिंग है वो ख़त्म होने में लगभग 1/2 घंटा बाकी है, तो देखते हैं कहाँ क्या होता है। ये रेस्टोरेंट है, सबसे बड़ा रेस्टोरेंट ही है, यहाँ से काफ़ी ऑर्डर आता है। हे गाइस, थर्ड नंबर ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है ये होटल से, तो फिलहाल अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अब तक का रेडी नहीं हुआ है ऑर्डर। हे गाइस, आज रात यानी कि इवनिंग में जो मैंने स्लॉट बुकिंग किया था उसका आज लास्ट डिलीवरी अभी कर रहे हैं, अभी कस्टमर के पास जा रहे हैं। तो ये ऑर्डर जो मुझे मिला था, लॉन्ग डिस्टेंस वाला ऑर्डर मिला है और लगभग अभी कस्टमर का लोकेशन आसपास में ही है, 300-400 मीटर डिस्टेंस है। तो मैं काफ़ी लॉन्ग राइड करके अभी आया हूँ यहाँ, और अभी मेरा जो स्लॉट का जो टाइमिंग था वो भी ओवर हो चुका है, ऑटोमेटिकली गो ऑफलाइन दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल क्या है, इसको डिलीवरी कर देंगे, डिलीवरी करके फिर घर चल जाएंगे, इसी रास्ते में मेरे घर के रूट पड़ता है। उसके बाद थोड़ा देरी में आपको बाकी का अपडेट देता हूँ, कितना ऑर्डर किया मिला क्या नहीं। तो अब तक का मुझे लगभग ये दिखा रहे थे 67, तो ये होने के बाद में लगभग 200 के आसपास होगा। हे गाइस, आज लगभग 3 ऑर्डर ही हो पाया और उसमें से मैंने आपको बताया था एक ऑर्डर तो कैंसिल हो गया था, तो आज लगभग 200 के आसपास अर्निंग हुआ है, उसमें से लगभग 60 रुपीज़ का पेट्रोल खर्चा हुआ है। तो बाकी का आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितना क्या हुआ है, और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ रहिए। थैंक यू। ये रहा स्क्रीनशॉट, देख लीजिए इतना ही अर्निंग हुआ आज का डेट में।